देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। गाय पालने वाले अनूठे मुस्लिम परिवार। मुस्लिमों ने गोद ली गाय। देश भर में गायों पर जहां तमाम तरह की बातें और आरोप लगाए जाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्यावरा तहसील के गिंदोरहाट इलाके में इन दिनों घर घर में गायों को पालने की मुहिम चल पड़ी है और मुस्लिम परिवारों ने भी ग्रामीणों के साथ गायों को गोद लिया है। देश भर में गायों पर जहां तमाम तरह की बातें और आरोप लगाए जाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा तहसील के गिंदोरहाट इलाके में इन दिनों घर घर में गायों को पालने की मुहिम जैसे चल पड़ी है। गौ संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने अच्छे कदम उठाए हैं। इस मुहिम में अब मुस्लिम परिवार भी शामिल हो चुके हैं। क्षेत्र के कुछ गाँवों में झुंडों में रहने वाली गायों के संरक्षण का जिम्मा लिया तो कुछ गांव वालों ने खुद ही स्वप्रेरणा से गाय पालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पास के गांव बरखेड़ा में मुस्लिम समाज ने खेतीबाड़ी करने वाले परिवारों में अपने आंगन में अन्य ग्रामीणों के सहयोग से गाय बांधना शुरू किया है। गांव के सरपंच ने ग्रामीणों से आग्रह किया है कि अन्य लोग भी गौ संरक्षण के लिए आगे आएं, जिससे उन्हें गायों को सहारा भी मिले और खेतों में होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। बरखेड़ा के अलावा अन्य गांवों के लोग भी इसे अपनाने का मन बना रहे हैं। गांव के प्रेम पुष्पद, रमेश यादव, बिहारी लाल यादव, बद्री मेहर सहित अन्य ने ये पहल शुरू की है। इसके पीछे ग्रामीणों की मंशा है कि जिले भर में सड़कों और खेतों में खुले तौर पर भटकने वाली गायों सहित अन्य मवेशियों का खतरा रहता है। इस कारण गांवों में विवाद की स्थिति भी बनती है। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने बीच का रास्ता निकाला है, जिसमें लोग न सिर्फ गायों को बांध रहे हैं बल्कि उनके संरक्षण का पूरा जिम्मा भी ले रहे हैं। ग्रामीण करामत खान बताते हैं कि हम सबका जिम्मा है खेतों में और आम रास्तों पर भटकने वाले गोवंश के संरक्षण की जिम्मेदारी लें। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। हम गौ माता की सेवा करेंगे। किसान बापूलाल यादव बताते हैं कि हमने सभी से आग्रह किया है कि इधर उधर भटकने वाली गायों के संरक्षण के लिए आगे आएं। इससे ग्रामीणों ने भी रुचि दिखाई है और आगे आने लगे हैं। अब्दुल जी, ये आपके गांव में जो गाय पालने की जो परंपरा, गोद लेने की जो परंपरा शुरू की गई है अभी, तो आपने भी गोद ली है गाय? हाँ, गोद ली साहब। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको गोद लेके? बढ़िया लग रहा, दूध भी उपजन होगा और अच्छो रहेगा। अच्छा, अपने खेती में गोबर अच्छा भी आगो काम। अच्छा, चारा भी है हमारे पास, तो हमारी भी वो भी देगी गौ माता, दूध भी देगी। तो सेवा आप कर रहे हो लगातार? हाँ, लगातार कर रहे साहब, 10 साल से लेला और ये अबे पकड़ ली, अब भी लेला। तो पहले क्या पालते थे आप? पहला बकरी थे साहब। अच्छा, अब बकरी मना कर दी 10 साल से हमने। हाँ, अब तो गाय ही पाल रही हम। किस प्रेरणा से आपने ये गोद लिया? क्या इन कारण बांध ली? नुकसान करे से मन बांधो, एवरो जत्री एवरा उतरी सभी गांव का सेवा करो। अच्छा, चारा खिलाओ। क्या प्रेरणा लेकर ये गायों को गोद लिया? ये फालतू आवारा ट्राइब घूम रही थी, गांव वालों ने संगठन किया कि सभी मिलके अपन एक एक गाय बांध के इनका भरण पोषण करेंगे, ताकि अपन फसल को भी नुकसान से वंचित रहेंगे, बचेगी और इनकी देखरेख होती रहेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।